बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। देसी टीवी यूएसए से मैं हूं निमरा मलिक। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के लिए मॉस्को के शहर क्रेमलिन पहुंच गए। रूस के यूक्रेन पर हमले के वक्त यूक्रेन के सफीर वेडियम प्रेस्टी को एक न्यूज ब्रीफिंग दे रहे थे। आई प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, आई विल गिव इट टू यू। दिस इज द लिस्ट ऑफ सैंक्शंस इन फाइनेंशियल स्फीयर ओनली। यू विल हैव इट बाय द एंड ऑफ दिस कन्वर्सेशन, बट द स्विफ्ट इज हियर एज़ वेल। We want स्विफ्ट, we want the Russian Central Bank to be sanctioned. We have a list of very heavy sanctions. अमेरिका में यूक्रेन के सफीर ओक्साना मार्कारोवा यूक्रेन के सफारतखाने से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। वो यूक्रेन पर रूस के मुकम्मल हमले के तबादला ख्याल और मजम्मत की। We expect the announcements soon from the US, but from all other friends and allies. We believe it has to be everything. We believe all financial institutions should be sanctioned. बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन यूक्रेन पर रूस के हमले के हवाले से रिमार्क्स दे रहे थे। As well, I think that is our job. नूर मुकदम के कातिल को सजाए मौत। पाकिस्तान की एक अदालत ने जुमेरात को अमीर सनतकार खानदान के बेटे जाहिर जाफर को अपनी गर्लफ्रेंड का रेप करने और इसका सर कलम करने के जुर्म में मौत की सजा सुना दी है। 27 साल नूर मुकदम के कत्ल पर पाकिस्तानी खवातीन की जानिब से शदीद गम गुस्से का इजहार किया गया था। 30 साल पाकिस्तानी नजाद अमरीकी शहरी इजायर जाफिर ने गुज़श्ता साल जुलाई में नूर मुकदम को अपने घर पर हमला करके कत्ल कर दिया था। 27 साल नूर मुकदम ने जाहिर जाफिर की शादी की पेशकश को मुस्तरद कर दिया था। कत्ल से कबल जाफिर ने नूर को तशद्दुद का निशाना बनाया था और एक तेज धार आले से इसका सर कलम कर दिया था। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट के जज अतार अबानी का कहना है की मरकजी मुलजिम को सजाए मौत सुना दी गई है। इस केस में जाहिर जाफिर के वालदैन जाकिर जाफिर और असमत आदम जी को इस जुर्म में मुलविस नहीं पाया गया, लेकिन इस कत्ल में सहूलतकार बनने पर घर के दो मुलाजमों को 10-10 साल की सजाएं सुना दी गई हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब की अफवाज की मुश्तरका मशकें अलसमसाम जारी हैं। दो हफ्तों पर मुश्तमिल फौजी मशकें दोनों ममालिक की अफवाज कौमी इंसदाद दहशतगर्दी सेंटर पब्बी में की जा रही हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद आलमी मंडी में तेल $100 फी बैरल से तजावज कर गया, जबकि स्टॉक मार्केटें भी शदीद मंदी का शिकार हो गई हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमत $100 फी बैरल से तजावज कर गई है, जबकि दौरान ट्रेडिंग सोने में फी ऑन्स कीमत $16 बढ़ गई है। वबाई अमराज से पहले साल में हमल से मुतल्लिक अमवात में इजाफा हुआ। बुध को जारी होने वाले एक हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी माओं के लिए हमल से मुतल्लिक अमवात वबाई मर्ज से पहले साल में बुलंद हुई, जिसमें दहाइयों से जारी रुझान को जारी रखा जो सियाफाम लोगों के गैर मुतनासिब तौर पर मुतासिर करता है। मजमू तौर पर 2020 में फी 1 लाख पैदाइशों में तकरीबन 24 अमवात हुई। वो तादाद जो हमल वलादत या इसके बाद के साल के दौरान मरने वाली माओं की अकासी करती है। 2019 में ये शरह 20 फी 1 लाख थी। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट क्यों नहीं देती? वज़ीर-ए-आज़म मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात में इस मरतबा भी किसी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया। हालांकि इस रियासत में 36 नशिस्तें ऐसी हैं जहां मुसलमान अपने बलबूते पर जीत सकते हैं। सबका साथ, सबकी तरक्की और सबका एतमाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी का मशहूर नारा है।
हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत यूं तो बिला तफरीक मजहब हर भारतीय शहरी को साथ लेकर चलने और जिंदगी के तमाम शोबों में तरक्की के यकसा मौके फराहम करने के लिए दावे करती है, लेकिन अमली तौर पर ना तो इसका कोई सबूत नजर आता है और ना ही कोई जमीनी हकायक इस दावे की तस्दीक करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.dctvusa.com, क्लिक करें हमारा लिंक ट्री और सोशल मीडिया की लामहदूद दुनिया को देखें। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।